अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आज का रेमेडी आपके लिए, अगर हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आज का रेमेडी आपके लिए। बाल काफी रूखे सूखे बेजान ड्राई डैमेज हो गए हैं केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से या फिर कोई और रीजन की वजह से, वो भी रेस्क्यू होने वाले गाइज आज की रेमेडी। तो सोचिए गाइज आज का एक रेमेडी आपको इतने सारे प्रॉब्लम का हल होने वाला है। आज डे 6 में हम ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट्स लाए हैं गाइज, जो दो चीज, सिर्फ दो चीजों का ये इंग्रेडिएंट्स है लेकिन ये जो मैजिक क्रिएट करता है आप हैरान होने वाले। ये वर्ल्ड कॉम्बिनेशन होता है गाइस, अपने आप ने ये आयुर्वेद कहता है, ये गूगल कहता है, ये हम सब कहते हैं। एक बार ट्राई करके ट्रस्ट करके अपने ऊपर लगाइए, देन रिजल्ट आकर मेरे साथ जरूर शेयर किएगा कि इसने आपको क्या गजब का रिजल्ट दिया है। एक बार में, एक एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट होने वाला है, यानी कि 50 बाल जो गिरते हैं वो 10-20 में आने वाले हैं। अगर हेयर ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो गाइस आपका स्कैल्प सुपर हेल्दी होने वाला है और 2-3 रेमेडी के बाद आपका हेयर ग्रोथ नजर आने वाले। और चैलेंज देती हूँ, एक एप्लीकेशन में बाल में गजब का शाइन आने वाला है गाइस, देखकर आप हैरान होने वाले हैं, यकीन नहीं है। तो एक तरफ सिर्फ आप इस रेमेडी को कीजिएगा, एक साइड, और एक साइड नहीं करके देखिएगा, आपको विजिबल चेंजेस नजर आएगा। वन एप्लीकेशन में गाइस मैं चैलेंज देती हूँ इस बात का, एक्सेप्ट कीजिए इस चैलेंज को और एक बार इस रेमेडी को जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राई करके देखिए ट्रस्टेड वे में, तो आपको रिजल्ट जो है वो गजब का मिलने वाला है। तो गाइस आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। Hey guys, आज है डे 6 ऑफ 7 डेज हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसने मेरे बाल को काफी शाइनियर, सिल्कियर, स्मूथ और हेयर फॉल जो है गाइस वो बिल्कुल भी खत्म हो गया है मेरा, यानी कि जो पहले होता था उससे भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, यानी कि अब मुश्किल से मेरे 10 बाल गिर रहे हैं एक दिन की मैं बात कर रही हूँ। तो सोचिए कितना मैजिक किया इसने। और आज है 6वां दिन। जी हाँ गाइज, आज जो मैजिक मैं आपके साथ क्रिएट करने वाली हूँ उसको देखकर आप भी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि बालों का गिरना तो बिल्कुल खत्म होने वाला है, देन न्यू हेयर ग्रोथ आपको आ जाएंगे इन 7 डेज के अंदर अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से करिए गाइस, काफी अमेजिंग सीरीज है। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। तो गाइस आज हमारा जो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है जो हम डे 6 में फॉलो करने वाले वो है मेथी सीड। मेथी सीड का मैंने डिटेल्स में आपको बहुत बार कह दिया है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी एक बार कि ये आपके पोर्स को टाइटन अप करता है, जिसकी वजह से आपको जो अननेसेसरी हेयर फॉल हो रहे हैं, यानी कि शैम्पू करने से जो बाल गिर रहे हैं, सोने से गिर रहे हैं, कंघी करने से गिर रहे हैं, नहाने से गिर रहे हैं, सब खत्म होने वाला है। क्योंकि हम जब तक हमारे पोर्स टाइट होते हैं गाइस तो बाल गिरेंगे ही नहीं। पोर्स लूज रहते हैं, मुंह खुले रहते हैं तभी बाल गिरते हैं। तो हमें जो ये जो हमारा पोर्स जो टाइट होगा ये मेथी की वजह से ही होगा। प्लस गाइस मेथी जो आपके बालों में शाइन ऐड करता है और एक मैजिक क्रिएट करता है। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है मेथी सीड। मेथी सीड को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, 2 चम्मच आपको मेथी सीड लेना है, वॉश कर लेना है, देन उसको जो चाय के कप में आप पानी पीते हैं, सॉरी चाय पीते हैं, उस चाय के कप का 1 कप मेजर करके आप इसमें मेथी दाना में इसको डालिएगा एंड देन ओवरनाइट इसको सोक करने के लिए रहने देना। सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग गाइस आपका मेथी का साइज डबल हो जाएगा क्योंकि इसने काफी सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर और मेथी का जो गुडनेस है वो पानी में रिलीज भी हो गया है। तो गाइस नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप सुबह उठेंगे तो आपको क्या करना है, आपको लेना है तो पैन लेना है गाइस। पैन में लेना है आपको आधा जग पानी, जो पानी आप पीते हैं वही पानी लीजिएगा, आधा कप मतलब आधा जग लीजिएगा, एक जग की नीड नहीं है यहाँ पर क्योंकि हमने ऑलरेडी ओवरनाइट मेथी को सोक करके रखा है तो वो काफी सॉफ्टन हो गया है। इसके अलावा भी हमें इसे और सॉफ्ट करना है तो इसीलिए हम एक पैन लेंगे। पैन में हमें चलाना है आधा ग्लास ऑफ वाटर, देन इसको बॉइलिंग पॉइंट में आने देना है। जब आपका पानी में उबाल आ जाए तो आपको जो मेथी सोक करके रखा है आपने रात भर वो पानी के साथ मेथी को इस कंटेनर में, इस पैन में डाल देना है एंड देन इसको बॉइल होने देना है तब तक जब तक आपका मेथी जो है हाथों से पिचक ना जाए, यानी कि सॉफ्टन ना हो जाए। तो गाइस कम से कम इसको 10 मिनट लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने रात भर सोक करके रखा है तो इसीलिए। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस गोइंग गर्ल है या मतलब वुमेन है या फिर आप बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है तो आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं। मेथी लीजिए, वॉश कीजिए, देन पैन पे चढ़ाइए, पानी डालिए, बॉइल कीजिए जब तक आपका मेथी पक ना जाए। तो गाइस ये प्रोसेसिंग तो गाइज इस प्रोसेस को करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपका मेथी दाना जो है बिल्कुल हार्ड है, इसको अगर आप सॉफ्ट करने वाले हैं तो आपको लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएगा इसको बॉइल करने में और इसको सॉफ्टन करने में। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप टाइम निकालकर 10 से 5 मिनट रात में मेहनत कर लेते हैं, यानी कि मेथी को वॉश करके ओवरनाइट सुखा मतलब सोक करके रहने देंगे तो इसका तो आपको बेनिफिट भी डबल मिलेगा और देन आपको गैस भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो गाइज आपको ले लेना है पैन, पैन में चढ़ा लेना है मेथी जो आपने सोक करके रखा है, उसको डालकर बॉईल होने देना है अच्छे से जब तक वो पक ना जाए। देन गाइस आपको फ्लेम को कर देना है ऑफ और मेथी को उसी पानी में रहने देना है
आपका पानी भी रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा, और मेथी भी आपका बिल्कुल भी सॉफ्टन हो जाएगा, पक जाएगा। तो गाइस जब आपका मेथी और पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, तब आपको लेना है मेथी और पानी के साथ ही मिक्सर ग्राइंडर में इसको। और उसके बाद जो गाइस हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हमारे इस सीरीज का। गाइस अगर आप हेयर लवर है गाइस, तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए। मैं यहाँ पर ही फ्रेश वाले की बात कर रही हूँ, मार्केट बेस की मैं कोई भी प्रोडक्ट की बात नहीं करती गाइस। मैं यहाँ बात कर रही हूँ एलोवेरा की। एलोवेरा जो है वो 99% पानी कंटेंट करता है और 1% इसमें जो है मिनरल होता है। हमारे स्कैल्प को हाइड्रेशन की काफी जरूरत होती है हेयर ग्रोथ के लिए। अगर बाल मतलब हमारा स्कैल्प अगर मतलब ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, बंजर रहेगा, तो हमें खेती कैसे होगी गाइस, तो हमारे बाल कैसे हो गएंगे आप ही सोचिए। जब तक हमारा स्कैल्प नरिश नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, इसमें वाटर नहीं रहेगा, मतलब तब तक हमें हेयर ग्रोथ रिसीव नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत लाजमी है। अब आप ये मत सोचिएगा कि एलोवेरा जेल नहीं है तो मैं कुछ और ले लूँ, फ्लैक्सीड ले लूँ। नहीं गाइस, जो चीज़ मैं जैसे बता रही हूँ उसका वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। नहीं है तो आप पहले इंतजाम कर लीजिए सामान का, देन आप ये सीरीज स्टार्ट कीजिए। लेकिन जो जो सामान मैंने जैसे जैसे कहा है आप वैसे ही यूज़ कीजिएगा। कोई भी इसका अल्टरनेटिव अगर रहेगा तो मैं खुद बता दूंगी। अगर मैंने नहीं बताया तो इसका मतलब इसका अल्टरनेटिव नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वीडियो पूरा देखा कीजिए, मैं हर वीडियो में पूरा डिटेल्स बताती हूँ, तो आपको फिर बाद में पूछने की नौबत नहीं आएगी। तो गाइज आपको लेना है फ्रेश एलोवेरा, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। देन गाइज जब आप एलोवेरा को कट करेंगे तो उससे एक पीला पदार्थ निकलता है, उसको अगर आप फौरन ही अगर लगा लीजिएगा तो आपको इचनेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको करना है क्या, जब आप एलोवेरा को कट करें तो देन उसको एक ग्लास पानी लिए और उसमें एलोवेरा लीफ को आप डुबो कर कम से कम 10 मिनट के लिए रहने दे। देखना कि आपका वाटर जो है वो येलोइश कलर का हो जाएगा। देन आधा 10 मिनट बाद आप पत्ती को निकाले, एलोवेरा लीफ को निकाले, अच्छे से वॉश कर लीजिए और देन इसको बीच से कट करके हमें इसका पल्प निकालना है। अब ये जो पल्प मिला है हमें गाइस, जो फ्रेश एलोवेरा का पल्प मिला है, ये आपके बालों को इस लेवल तक लेके जा सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्लस गाइस जब ये मेथी सीड के साथ मिलता है तो ये जो वर्ल्ड क्लास का कॉम्बिनेशन बनकर आपके लिए वर्ल्ड क्लास का रेमेडी गाइस बनकर रेडी होने वाला है आपके लिए। जो डे 6 में हम मैजिक क्रिएट करने वाले हैं, ये हमारे विंटर जो आ रहा है उसके लिए हमारे स्कैल्प को हम रेडी कर दे रहे हैं गाइस पहले से ही। तो आपको लेना है फ्रेश एलोवेरा और उसको भी आपको डाल देना है इसी मिक्सर ग्राइंडर में। जी हाँ, और आपको कितना एलोवेरा लेना है गाइस, 1 से 2 लीव आपको एलोवेरा का लेना है। देन उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है, मेथी वाटर, मेथी वाला और मिक्सर एलोवेरा। देन गाइस ये जो स्मूथ सा एक आपको टेक्सचर वाला मिलेगा आपको सीरम, इसको आप चाहे तो स्ट्रेन कर लीजिए और चाहे तो आप एज इट इज भी जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे ही लगाइएगा। ये आपका सीरम जो है वो बनकर रेडी हो गया। आपको फ्यूचर में गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपने 1 से 2 दफा इस सीरम का एप्लीकेशन कर लिया अपने स्कैल्प पे। आपका स्कैल्प जो है सुपर हेल्दी हो जाएगा, फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, हेयरफॉल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका, और गाइस बालों में तो शाइन जो है वो अनदर लेवल में जाने वाला है। तो गाइस आ जाती है इसके एप्लीकेशन की बारी। तो एप्लीकेशन करने से पहले बालों को टैंगल फ्री कर लीजिए, अच्छे से कोम कर लीजिए ताकि आपका स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए होना। जब हम कोम करते हैं गाइस तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसीलिए कोई भी रेमेडी करने से पहले आप 1-2 दफा बालों में अच्छे से कोम कर लीजिए ताकि आपका स्कैल्प जो है वो रेडी हो जाए रेमेडी के लिए। तो देन गाइस ये जो सीरम बना है इसका आपको इस्तेमाल पूरे पहले स्कैल्प पे फोकस करिएगा। आपका स्कैल्प पूरा जब कवर हो जाए देन इसको लेंथ पे लगा लेना, अच्छे से लगाकर इसको आप अच्छे से बन बना लीजिए और पॉलिथीन से रैप करके आपको 20-30 मिनट्स तक अपने बालों पे रहने देना है। 30 मिनट्स इज सफिशियंट। देन गाइस 30 मिनट बाद आपको अपना हेड वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर के साथ, शैम्पू नहीं करना है आज आपको। इस बात को आप मेक श्योर रखें कि आज आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। जी गाइस, हम चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा गुडनेस हमारे स्कैल्प पे रहे ताकि हम जो 7 डेज में जो अपना हेयर में जो मैजिक क्रिएट करने वाले हैं, तो गाइस 7 डेज में जो हम मैजिक क्रिएट करने वाले हैं उसका जो असर है और भी ज़्यादा अच्छा हो। तो लेकिन गाइस आपको बहुत मेक श्योर होना है कि आपको वॉश बहुत अच्छे से करना है। अगर आपका ज़रा सा भी पार्टिकल्स बालों में रह जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस आएगी, इचनेस होने लगेगा। आपको मेथी स्टिक होता है इसीलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, जितना पानी से हो सके अच्छे से हाथ देकर वॉश कर लीजिए। अगर आपका मेथी पूरा प्रॉपर नहीं निकल रहा है, पहले तो आप इसको स्प्रेन कर
लेंगे तो आराम से ये निकल जाएगा। तो आप स्ट्रेन करके ही लगाइए, मैं सजेस्ट करूंगी, आप एज इट इज मत लगाइए वरना फिर आपको धोने के वक्त प्रॉब्लम आएगा। तो स्ट्रेन कर लीजिएगा तो ये सिर्फ लिक्विड बचेगा और इसको लगाने के आधा घंटे के बाद आपको वॉश कर लेना है तो इजिली ये रिमूव हो जाएगा गाइस। अब बारी जाती है कि इसको कौन कौन लगा सकता है, तो इसको 16+ अगर आप है तो बेझिझक स्टार्ट कर दीजिए DIY रेमेडी को, अपना पार्ट बना लीजिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए गाइस, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी फार्मेसी का प्रोडक्ट लेने की जरूरत ना पड़े अपने हेयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड। तो गाइस प्लीज अभी से स्टार्ट कर लिए, अभी आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है। हम तो अपना टीनेजर जो जिंदगी है वो अपने जी चुके हैं, हमें उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था, अब जाके जो नॉलेज आया गाइस, तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी से उस चीज का लाभ उठा सके। हमारे वक्त में हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आपके वक्त में हम सब आपके मिलकर आपकी मदद करेंगे गाइस। आप हमारी मदद कीजिए, हम हमारी मदद करेंगे, हम साथ मिलकर एक फैमिली क्रिएट करेंगे, एक फैमिली बनाएंगे और एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो गाइज अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा, मैं हमेशा कहती हूँ आपको कर्म रिजल्ट देता है। तो प्लीज मेक श्योर आज से ही DIY को अपनी रिजीम का, अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लिए, ताकि कल को जाकर आपको कोई भी फार्मेसी के प्रोडक्ट की नीड ना पड़े अपने हेयर से रिलेटेड, अपने स्किन से रिलेटेड। तो गाइज वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जो बॉन्डलेस का शिकार हो चुके हैं या फिर जो हेयर फॉल से काफी जूझ रहे हैं। गाइज अच्छा कीजिए अच्छा मिलेगा, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस प्लीज वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, अगर आप लाइक करते हैं एक लाइक से गाइस मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट रेमेडी के लिए काफी कॉन्टेंट आपके लिए लाने का सोचती हूँ, रेमेडी ट्राई करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, देन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज एक लाइक कर दिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ। तो गाइस मिलती हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, स्वस्थ रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लीजिए, स्ट्रेस हमारा दुश्मन होता है, स्किन बोलिए, हेल्थ बोलिए या फिर हेयर बोलिए। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।